Hi guys, today with a new lecture, Ideal Biology, Chemistry Part, Chapter Number 1, Stoichiometry. आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो आगा खान बोर्ड से रिलेटेड है और ये दूसरे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इसेंशियल टॉपिक है. और जो टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट. आज के इस लेक्चर में हम दो SLOs को कवर करेंगे आगा खान के, फर्स्ट और सेकेंड SLO मोल के बारे में. तो फर्स्ट SLO जो है वो कहता है वट इज़ मोल या डिफाइन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, यानी मोल और एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन बताएं. तो मोल क्या होता है? सिंपली मोल इज़ नथिंग द एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल. यानी कि जो एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स रिप्रेजेंट करें तो उसे हम मोल कहेंगे. और उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर जो होती है ना, इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि मेजर करती है मॉलिक्यूल्स को, विच मेजर्स द मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, अब एक मोल है फॉर एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने आयंस हैं, यानी जो भी उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स, आयंस वगैरह हैं, उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर करके बताएगी कि इतने हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर. और इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स भी हो सकती हैं, आयंस भी हो सकते हैं इन वन मोल, यानी कि वन मोल के अंदर ये वैल्यू होती है एवोगैड्रोस नंबर की. उसके बाद सेकंड SLO हमें कहता है रिलेट द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, यानी इन दोनों कंसेप्ट को हमने एक दूसरे के साथ रिलेट करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे हैं. तो अगर हम देखें तो मोल मोल को अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले भी बताया, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस यानी एक मोल कितने पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम एग्जांपल ले लें, रिलेट करें दोनों को आपस में, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो वन मोल ऑफ NaCl यानी एक NaCl का मोल, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 × 10²³. सिमिलरली वन मोल ऑफ कैल्शियम का क्लोराइड कंटेन्स 6.002 × 10²³ पार्टिकल्स. यानी कि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि एक मोल में पाई जाती है और यही रिलेशन है. अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका मोल को हाफ़ कर दें तो इसके अंदर पार्टिकल्स पूछेगा, तो हम इस वैल्यू को भी हाफ़ कर देंगे. यानी इसी तरह इसका रिलेशन हम ड्राइव करते हैं और ये SLO बहुत सिंपल हैं और इन्हीं के बारे में बताते हैं कि मोल को डिफ़ाइन करें और इन दोनों के बीच में एवोगैड्रोस को भी डिफ़ाइन करें और इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएँ.